आमिर खान और किरण राव ने हाल ही में अपने फैंस और दुनिया को ये बताया कि वो अपनी 15 साल पुरानी शादी को तोड़ रहे हैं। इस खबर को सुनते ही देश में बवाल मच गया। वैसे तो ये आम बात है, मगर लोगों ने ना कि सिर्फ आमिर और किरण को ट्रोल किया बल्कि फातिमा सना शेख को इनके बीच अलगाव का कारण बना दिया। मतलब कुछ भी। आप अगर बॉलीवुड प्रेमी हैं तो जानते ही होंगे कि जब फातिमा ने ठग्स ऑफ हिंदुस्तान साइन की थी तब से लोग उनका नाम आमिर के साथ जोड़ने में लगे हुए हैं। आखिरकार फातिमा को सामने आना पड़ा और उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, पहले मुझे इन सब चीजों का फर्क पड़ता था क्योंकि मैं कभी इतने बड़े लेवल पर चर्चा का विषय नहीं बनी हूँ। लोगों को लगता है मैं एक अच्छी इंसान नहीं हूँ, पर वो सच नहीं जानते। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि फिल्म की तरह हम फातिमा के इस बयान को भी भूल जाएं। वेल, ऑन अ लाइटर नोट, जरा ये वीडियो देखिए जहां फातिमा शाहरुख के साथ अपने प्यार की बात कर रही हैं और बता रही हैं कि एक अभिनेत्री के तौर पर वो आमिर खान को देखती हैं। I have always loved this film, but you know, with शाहरुख he's my पहला प्यार। So with AK he's a mentor and I love his films। ऐसी कौन सी फिल्म नहीं है जो उनकी अच्छी नहीं है। As an actor I look up to him। So I have tremendous amount of respect for him as an actor and as a person. So I love Shah Rukh वैसे, but I love Aamir Khan because of what he is. ना ना ना, बात यहीं खत्म नहीं हुई। सोशल मीडिया की चादर में घुसे हुए लोगों ने फातिमा को ट्विटर पर जोरदार तरीके से ट्रेंड किया। फातिमा को आमिर की तीसरी पत्नी कहा और इन भाई साहब ने तो फातिमा और आमिर की शादी की एडवांस बधाई भी दे दी। मतलब वाह, ऐसी ऐसी बातें करते हुए लोगों ने सोशल मीडिया को मुंबई के नालों की तरह गंदा कर दिया है। इन लोगों ने मेरे सर पे गोली रखी है, प्लीज मुझे यहाँ से बचाओ, मुझे यहाँ से निकलना है। तो दर्शकों, चलते हैं आमिर और किरण के तलाक के बीच में एक बड़ा मुद्दा सामने रखने वाली कंगना रनौत पर। हर बार और हर मुद्दे की तरह कंगना के पास यहाँ भी एक बड़ा सवाल है, और ये सवाल है कि बच्चा हमेशा मुस्लिम क्यों? जात पात के परे कुछ सोचना बहुत मुश्किल है ना? कंगना रनौत ने हाल ही में आमिर खान और किरण राव के तलाक पर अपनी राय रखी है और इंटरफेथ मैरिज पर सवाल उठाया है। एक्ट्रेस ने आमिर पर निशाना साधते हुए कहा है कि हमेशा बच्चा मुस्लिम क्यों होता है, क्यों महिला हिंदू बनकर नहीं रह सकती। कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा है, एक वक्त पर पंजाब में अधिकतर परिवारों में एक बेटा हिंदू व एक बच्चे को सिख बनाने का चलन था। ऐसा कभी भी मुस्लिम व सिख और हिंदू व मुस्लिम या फिर किसी का भी मुस्लिमों के साथ देखने को नहीं मिला। अगर एक परिवार में हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, राधा स्वामी और नास्तिक साथ रह सकते हैं तो मुस्लिम क्यों नहीं? मुस्लिम से शादी के लिए एक को धर्म बदलने की जरूरत क्यों पड़ती है? खैर, सलाह के बीच फातिमा या कंगना का ये बच्चा हमेशा मुस्लिम ही क्यों है ये एंगल ही नहीं है बल्कि लव जिहाद भी है। जी हाँ, लोगों ने तलाक में लव जिहाद के एंगल को भी ढूंढ निकाला है। इन महाशय का कहना है कि आमिर खान लव जिहाद के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इस बात पर पहले जोरदार तालियां। इनकी बातें भी कुछ कंगना से मिलती जुलती हैं। इनका कहना है कि आमिर ने दो बार हिंदू लड़कियों से शादी की। पहली पत्नी रीना से आमिर खान के दो बच्चे जुनैद खान और आयरा खान हैं। दूसरी पत्नी किरण से आजाद खान। तीर्थ नाम के इस यूजर ने लिखा है कि दोनों हिंदुओं से शादी करके तीन मुसलमान बच्चे, ये है लव जिहाद का स्वीट रास्ता। अच्छा खेला है आमिर खान ने। शादी दो अलग अलग धर्म में हो सकती है लेकिन बच्चे मुसलमान ही होंगे। सदा जी, मेरा जवाब सुन लो।
वेल, इन सबके विपरीत आमिर और किरण का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि वो तलाक को अपनी जिंदगी की एक नई जर्नी समझ रहे हैं और वो दोनों खुश हैं। हमारे बारे में कल आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, हमारी अनाउंसमेंट आई थी किरण जी और मेरी, तो आप लोग को दुख भी हुआ होगा, अच्छा नहीं लगा होगा, शॉक लगा होगा, और हम बस इतना आपको कहना चाहते हैं कि हम लोग दोनों बहुत खुश हैं और हम एक ही परिवार हैं। हमारे रिश्ते में चेंज आया है लेकिन हम लोग एक दूसरे के साथ ही हैं तो आप लोग ऐसा कभी मत सोचिएगा। शायद यहाँ इस वीडियो को एंड कर देना चाहिए। सो कट। शिखा शर्मा, हिंदी राशि।